निशिता सक्सेना मतलब हमारी निशी, चुलबुली सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी निशी। बचपन से ही एक्टिंग का शौक ऐसा सर पर चढ़कर बोला कि हर तरफ बस एक्टिंग ही एक्टिंग। 5 साल की छोटी सी उम्र में भोजपुरी फिल्म के बड़े कलाकारों के साथ काम किया और अब खुद ही बन गई टेलीविजन चैनलों की उम्दा कलाकार। शुरुआत हुई सोनी टीवी के पॉपुलर शो तेरा यार हूँ मैं आनी के रोल से। स्टार भारत के फेमस शो राधा कृष्ण में कृष्ण की पत्नी महारानी नाग जीती का खूबसूरत रोल प्ले कर पॉपुलैरिटी हासिल की। तो साथ ही कलर्स पर नीमा में बबीता के किरदार में अपनी अदाकारी के रंग बिखेरे। कहते हैं कि टेलीविजन में जब तक बालाजी मतलब कि एकता कपूर के साथ काम नहीं किया हो तो आप इसके बिना अधूरे हैं। लेकिन निशिता ने ये काम भी पूरा कर दिया। इन दिनों निशी दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे एकता कपूर के सीरियल ये दिल मांगे मोर में मानसी के खूबसूरत किरदार में पॉपुलैरिटी पा रही है। और पॉपुलैरिटी भी ऐसी कि बतौर सेलिब्रिटी निशी जहां भी जाती है फैंस की दीवानगी देखते ही बनती है। निशी के मौसा जी राजेंद्र सक्सेना जी का रिटायरमेंट का दिन है। इस दिन को खास बनाने के लिए निशी स्वयं ही शाजापुर आई हुई है और साथ लेकर आई है टेलीविजन सीरियल से जुड़ी हुई कुछ फेमस एक्ट्रेस के कुछ खूबसूरत संदेश राजेंद्र सक्सेना जी के लिए। नमस्कार, मैं हूँ नेहा। निशी के मौसा जी राजेंद्र सक्सेना नेत्र चिकित्सक शाजापुर को सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई देती हूँ। मैंने निशी से आपके और मौसी जी के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आप लोगों से मिलने के लिए सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ। होप कि हम निशी की शादी में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार, मैं अर्चना। नमस्कार, मैं ट्विंकल। नमस्कार, मैं मानव। नमस्कार, मैं आरजू। हम निशी के मौसा जी राजेंद्र सक्सेना जी जो कि नेत्र चिकित्सक हैं शाजापुर में, उनके रिटायरमेंट के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। निशी ने आपकी और मौसी जी की बहुत तारीफें की है। निशी की शादी में हम आप लोगों से जरूर जरूर मिलेंगे। निशी के मौसा जी को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और निशी की शादी में हम आपको मिलेंगे पक्का। हमें बुलाया।